आइए बच्चों, आज से हम इंग्लिश सिखाने की शुरुआत करते हैं। जिसे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखी जा सकती है। सिर्फ आप वीडियोज को देखते रहें, ध्यान से सुनते रहें और इन्हें डिलीट न करें। किसी नियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको इंग्लिश सीखने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रूल्स से घबरा जाते हैं। आइए देख, आई गो, मैं जाता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि आई मीन्स मैं होता है, हम अपने आप को मैं बोलते हैं। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूँ। आई राइट, मैं लिखता हूँ। आई च्यू, मैं चबाता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। आई वॉक, मैं सैर को जाता हूँ या मैं चलता हूँ। आई लाफ, मैं हंसता हूँ। आई विप, मैं रोता हूँ। आई शाउट, मैं चिल्लाता हूँ। आई सिट, मैं बैठता हूँ। आई वॉच, मैं देखता हूँ या मैं निगरानी करता हूँ। आई लुक, मैं देखता हूँ। आई गर्गल, मैं कुल्ला करता हूँ। आई कम, मैं आता हूँ। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। आई वॉच मूवी, मैं फिल्म देखता हूँ। आई लुक एट यू, मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ। आई मिस माई मदर, मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ या नाश्ता लेता हूँ। आई वॉश, मैं धोता हूँ। आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हाथ धोता हूँ। आई लिक हनी, मैं शहद चाटता हूँ। आई स्टैंड देयर, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। मैंने आई का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा हम आई के बारे में बोलते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। आई का मीनिंग मैं, वी का हम, जैसे सामने लिखा हुआ है नीचे, यू का तुम या आप, दे का वे, नाउन प्लूरल, बहुवचन संज्ञाएं, जो एक से अधिक संज्ञाएं नाउन हो, के साथ पहली क्रिया लगाते हैं। यानी मैंने आई के साथ क्या लगाई? पहली क्रिया लगाई है, वर्ब फर्स्ट, क्रिया को वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम वी देखते हैं। वी ईट, हम खाते हैं। लेकिन हमने देखा है जैसे मैं है, आई को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, उसी प्रकार हम तुम को या आप को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। आइए देखते हैं। यू कट, तुम काटते हो। यू राइट, तुम लिखते हो। यू प्ले, तुम खेलते हो। यू ईट, तुम खाते हो। यू ड्रिंक, तुम पीते हो। यू रन, तुम दौड़ते हो। यू वॉच ए सीरियल, तुम एक सीरियल देखते हो। यू वॉश क्लोथ्स, तुम कपड़े धोते हो। यू स्विम, तुम तैरते हो। यू कुक, तुम पकाते हो। यू सेल, तुम बेचते हो। अब आते हैं दे पर। दे प्ले, वे खेलते हैं। दे क्राई, वे चिल्लाते हैं। दे रन, वे दौड़ते हैं। दे मीट मी, वे मुझसे मिलते हैं। मीट मीन्स मिलना। दे लर्न देयर लेसन, वे अपना लेसन याद करते हैं। वी सिट ऑन द चेयर्स, हम कुर्सियों पर बैठते हैं। वी सिट इन द चेयर्स, हम कुर्सियों पर बैठते हैं। जो आर्म चेयर होती हैं उनमें इन लगाते हैं, और जिनमें आर्म्स नहीं होते उनमें ऑन लगाते हैं। बॉयज लाफ, बच्चे हंसते हैं। गर्ल्स स्माइल, लड़कियां मुस्कुराती हैं। मैन वर्क इन ए फील्ड, आदमी एक खेत में काम करते हैं। यहाँ पे एम ई एन है, यानी बहुत सारे आदमी हो गए। यदि एम ए एन होता तो एक आदमी हो जाता। पीपल टेक मिल्क, लोग दूध लेते हैं। वी बाई ए कार, हम एक कार खरीदते हैं। यू बाई ए टॉवल, तुम एक तौलिया खरीदते हो। दे टीच अस इंग्लिश, वे हमें इंग्लिश सिखाते हैं। ये हुई आई वी यू दे और नाउन प्लूरल के बारे में। अब कुछ और बच जाता है, जैसे ही है लड़के के लिए ही, और लड़की के लिए सी, और निर्जीव वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए, वेदर आदि बताने के लिए, मौसम बताने के लिए इट,
और नाउन सिंगुलर जैसे माँ पापा दादा दादी भाई बहन राहुल गीता सीता दिल्ली, ये हो गए नाउन सिंगुलर। तो जब हम इनके बारे में इनको यूज करेंगे तो क्रिया में या तो एस लगाएंगे या ई एस प्लस कर देंगे। अब जिस क्रिया के लास्ट में ओ होगा जैसे गो, तो ओ है उसके लास्ट में, पोजेस पी ओ डबल एस सी डबल एस यानी डबल एस होगा, रस आर यू एस एच एस एच होगा, रीच आर ई ए सी एच सी एच होगा, कॉक्स सी ओ ए एक्स कॉक्स या क्विज क्यू यू आई जेड, इस तरह के वर्ड लास्ट में होंगे तो हम ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा अदरवाइज एस प्लस करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है, छोटी सी बात है, खूब हंसो और पढ़ो। अब आइए देखते हैं, ही गोज वह जाता है, सी प्लेज वह खेलती है, इट बार्क्स यह भोंकता है, मदर कुक्स माँ पकाती है, फादर टीच पिताजी पढ़ाते हैं, ही ब्रिंग्स वह लाता है, ही ईट्स वह खाता है, ही मीट्स वह मिलता है, ही स्माइल्स वह मुस्कुराता है, ही थिंक्स वह सोचता है, ही बाइज वह खरीदता है, सी वॉशिज वह धोती है, सी वॉशिज क्लोथ्स वह कपड़े धोती है, सी राइट्स वह लिखती है, सी रीड्स वह पढ़ती है, सी कम्स वह आती है, मदर गोज माँ जाती है, मदर मेक्स ब्रेड्स माँ ब्रेड्स बनाती है, मदर कॉल्स मी माँ मुझे पुकारती है या मुझे बुलाती है, ए कैट रन्स एक बिल्ली दौड़ती है, ए लॉयन रोर्स एक शेर दहाड़ता है, फादर अर्न्स पिताजी कमाते हैं। आइए देखते हैं, ही सी इट नाउन सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ उसके नीचे देखते हैं, मदर आयरन्स द क्लोथ्स माँ कपड़ों पे प्रेस करती है, फादर गेट्स मी ए टॉय पिताजी मुझे एक खिलौना दिलवाते हैं, गेट मीन्स दिलवाना भी होता है, मदर मेक्स टी माँ चाय बनाती है, फादर फ्लाइज काइट्स पिताजी पतंग उड़ाते हैं, ही गेट्स एंग्री वह गुस्सा होता है, सी गेट्स हैप्पी वह खुश होती है, राहुल बाई जे न्यू हाउस राहुल एक नया घर खरीदता है, गीता कम्स इनटू द रूम गीता कमरे में आती है यानी बाहर से अंदर आए तो इनटू लगाते हैं, फादर स्लीप्स इन बेड पिताजी बेड पर सोते हैं, रेनू राइट्स विद ए पेन रेनू एक पेन से लिखती है, ग्रैंडफादर बाई जे मंकी दादा एक बंदर खरीदते हैं, सी बाई जे पेन फॉर थ्री रुपीज वह तीन रुपये में एक पेन खरीदती है। ध्यान दे, किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ ली जाए तो एफ ओ आर फोर लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन याद रखें। ही गेट्स ऑफ द बस वह बस से उतरता है, ही वियर्स ए शर्ट वह एक कमीज पहनता है, सी वियर्स ए कैप वह एक टोपी पहनती है, फादर वियर्स जीन्स पिताजी जीन्स पहनते हैं, मदर कट्स वेजिटेबल्स माँ सब्जियाँ काटती हैं, मुस्कान ईट्स ए समोसा मुस्कान एक समोसा खाती है, चंदन ईट्स पॉपकॉर्न चंदन पॉपकॉर्न खाता है, फादर बाइज बनानाज पिताजी केले खरीदते हैं, मदर बाइज अटेंसिल्स मम्मी अटेंसिल्स खरीदती है, इसको यूटेंसिल्स भी बोलते हैं बर्तन मतलब। ही एडमायर्स यू वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, सी लाइक्स आइसक्रीम वह आइसक्रीम पसंद करती है, ही लाइक्स बिस्किट्स वह बिस्किट पसंद करता है। तो इस प्रकार आप इन्हें लर्न करें, उसके बाद मैं आपको दूसरा पॉइंट भेजूंगा जिसमें कुछ और नई नई बातें होंगी। देखो आपको बहुत जल्दी यू विल बी एबल टू स्पीक वेरी फास्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, यू विल बी वेरी हैप्पी एट द टाइम। ओके नाउ बाय टू ऑल, थैंक यू।